अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ मटन गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो चले आए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है मटन का गोश्त और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने दो दरमियाने प्याज लेके रफली चॉप किया है, एक गड्डी लहसुन की लेके उसको ऐसे साबुत रहने दिए है, दो तीन दरमियाने टमाटर लेके बारीक चॉप किए हैं, साथ एक इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, कुछ हरी मिर्चें ली हैं और खुश्क मसालों में मैंने लिया है एक टेबलस्पून भर के सूखा धनिया, डेढ़ टीस्पून जो है ये मैंने लिया है जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें, मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी मिर्च और 2 टीस्पून रेगुलर रेड चिलीज ली हैं। इसके अलावा मैंने लिया है पिसा हुआ गर्म मसाला 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून और ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को कसूरी मेथी का टेस्ट नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिए है दालचीनी का टुकड़ा और साथ मोटी इलायची 2 ली हैं, 4-5 लौंग लिए हैं, 3-4 सब्ज इलायची और काली मिर्चें और एक लिया है मैंने बेदियान का फूल और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ली है दही। तो चले आए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं इसको बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, तो इसमें मैंने गोश्त को डाल लिया है। अब हम तमाम अपने टमाटर प्याज और लहसुन अदरक इन सबको डाल देंगे बीच में, साथ ही इसमें मैं साबुत खड़े गरम मसाले और पिसे हुए मसाले जो थे वो भी तमाम हम इसमें साथ ही शामिल कर देंगे। इसके अलावा जो है दही इसको भी फेंट के शामिल कर देते हैं और साथ में इसमें डाल दूंगी ऑलिव तेल को, तो ये हम तेल भी इसके साथ ही ऐड कर देते हैं। और अब जो है इसमें मैं थोड़ा सा पानी देके इसको जो है 20 मिनट की दूंगी स्टीम, तो इसमें जो है तकरीबन मैं आधा ग्लास जितना पानी डालूंगी, आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से पानी डाल के और इसको जो है स्टीम देके गला लीजिएगा। तो इसको जो है मैं गलाती हूँ और फिर मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ। मैंने अब दही भी डाल दिया है और ये हमने शामिल कर दिया है इसमें पानी और अब इसको जो है हम अच्छा सा कर लेंगे मिक्स, और ये जब थोड़ा सा पकने लगेगा तो बस फिर मैं कुकर को बंद करके और इसको दे दूंगी स्टीम। तो इसको अब गला लेते हैं और फिर जो है आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि 20 मिनट की मैंने इसको स्टीम दे ली थी, अब जो है गोश्त भी हमारा गल गया है, तो बस अब हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, इसको अच्छा सा मैं भून लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सालन जो है बहुत अच्छे से भून चुका है, तो आप इसको एज इट इज भी हरी मिर्चें हरा धनिया डाल के सर्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको जो है थोड़ा रसमी सा करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा रसमी सा बनाऊंगी, इसलिए इसमें जो है मैं 1 कप के करीब शामिल करूंगी पानी को और इसको जो है 5 से 10 मिनट के लिए मजीद इसको मैं पकाऊंगी और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हरा धनिया और अब हरी मिर्चें, तो इसको भी हम शामिल कर देते हैं और इसको जो है 5 से 10 मिनट तक मज़ीद पकने देते हैं ताकि हमने जो पानी ऐड किया है वो भी अच्छा सा पक जाए। तो ये पक जाता है तो फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही मज़ेदार मटन करी बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगी, और मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।